हाँ जी, ये बोला कि ये बीमारी है, वो है, तो लाया हूँ ध्यान लिया। अरे मेरा तुम कैसे लियो भाई, कहाँ जा रहे हो? चप्पल सर आप पार्क हॉस्पिटल में आए हैं, क्या है मामला? पार्क हॉस्पिटल में अभी जो पीड़ित हैं, इन्होंने फ़ोन किया है कि भाई लापरवाही हुई है डॉक्टर की, उसके कारण हमारी बच्ची की मौत हुई है। तो अब यहाँ आए हैं, पता कर रहे हैं, जो भी जांच चल रही है, जैसे जांच होगी उसके बाद जो भी नियम होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर पी एस। जो 8 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है, परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही, और जो रात में स्टाफ था उसने पूरी लापरवाही की। बिल्कुल गलत है, निराधार है। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हर पल मरीज देखा गया है और डॉक्यूमेंटेड कंडीशन ही सीरियस थी, और सारे स्पेशलिस्ट कंसर्न ने समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी मरीज देखा हुआ है और रिकॉर्ड में है। आपके यहाँ सीसीटीवी भी होंगे? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हमारे पास, तो उसमें भी तो जाँच हो सकती है। किस चीज़ की? कि रात में लापरवाही हुई है कि नहीं हुई। सर डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं लापरवाही करने, हमारे तो डॉक्टर ही होते हैं। केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप पुष्टि कर देंगे? सर हमारे डॉक्टर्स तो जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने सीसीटीवी चेक किए? किस चीज़ के लिए? क्योंकि डॉक्टर वहाँ टाइम से गए हैं। सर आईसीयू में डॉक्टर होते ही हैं। परिजनों का आरोप है 4 से 5 घंटे तक मरीज तड़प रही है बिस्तर के ऊपर, तो देखने के लिए। ये गलत है क्योंकि आईसीयू के अंदर डॉक्टर 24 घंटे होते हैं। तो आप क्या मानते हैं, डॉक्टर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की मौत हुई है? मरीज सीरियस था, आया तब से लेके आज तक मरीज सीरियस था। कितनी तारीख को एडमिट हुआ था? 31 तारीख को। और डेथ कब हुई है इसकी? आज 2 तारीख को। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है बेबी वैष्णव कुमारी। जिस समय यहाँ पे एडमिट कराने के लिए थे, उस समय क्या हालत थी और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट? उस समय भी मरीज की हालत ठीक नहीं थी, उसके ब्रेन में जो है ना इन्फेक्शन भी थी और स्वेलिंग भी थी। तो क्या मानते हैं जो डॉक्टर अपना परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से है? निराधार है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। कहाँ रहते हैं आप और यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ आए थे, मैं बल्लमगढ़ में रहता हूँ, यहाँ आए थे इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए? वैष्णवी के। कौन है वैष्णवी? वैष्णवी मेरा लड़की है जी। क्या हुआ उसको? उसको वही थोड़ा सा चोट लगा था, आया था सही से, यहाँ आके बिगड़ गया काफ़ी। फिर यहाँ सुधार होने के बाद रात को जो ट्रीटमेंट किए वो सही से नहीं किए, आधे सो रहे थे आधे जग रहे थे। तो अब क्या हुआ? अब क्या, वो मेरा लड़की चल गया, बस गया, खत्म हो गया। किसकी लापरवाही से? डॉक्टरों की लापरवाही से, और उसका जो नाइट में बंदे करते हैं काम उसके लापरवाही से। क्या उन लोगों कुछ नहीं ऑब्जेक्शन लिया, मेरा बच्चा चिल्लाते रहा 4-5 घंटे तक,
कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और नहीं कोई फोन करके बड़े डॉक्टरों को बोला कि हाँ बच्चे चिल्ला रहा है काफ़ी देर से, इसका क्या ट्रीटमेंट करूँ, नहीं करूँ, कुछ नहीं किया। इस वजह से जब मेरा बच्चा जब शाम को आया तो दवा करवाने के बावजूद मेरा सांस रुकने लगी बच्चे को, जब सांस रुकने लगा तो कोई देखने नहीं आया, जब बच्चे हवा लेने लगे तो उसका दम घुटने लगा, तब मैं डॉक्टर को आवाज़ दिया, तब आके मेरे बच्चे को देखा, तब देखा तो कहा इसका सांस बंद हो गई, तब जाके वो ऑब्जेक्शन लगाया, उसके बाद कोई नहीं देखा उसको, कोई इलाज नहीं किया। कहाँ से लेके आए थे बच्ची को और कहाँ कितने कहाँ पे दाखिल करवाया? मैं आए थे राजीव कॉलोनी से 3 नंबर BK, वहाँ के बाद 3 नंबर SI वाले ट्रांसफ़र किए रिपोर्ट बना के, उसके बाद मैं यहाँ आया। अब कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया था आपने? ये पार्क हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं 10 सेक्टर। तो इसके डॉक्टर ने लापरवाही जी नाइट में, दिन के तो सही किए थे फिर गड़बड़ा दिए। आप क्या मानते हैं डॉक्टरों की लापरवाही से आपकी बच्ची की मौत हुई है? हाँ जी, जो नाइट में बंदे सब काम करते हैं उसके लापरवाही से हुआ है। हमको आने के बाद क्या नाम है आपका? सुकीर्ति देवी। क्या हुआ आप बच्चे को? कुछ नहीं हुआ था, मेरा बच्चा जिस दिन में भर्ती करवाई 5 बजे, उसके बाद 6 बजे मेरा बच्चा होश में आया, फिर बाथरूम उतरूम चल के खुद गए, चल के आए, एक बार मैं लेके गई, एक बार ये लेके गई, वहाँ से भी वो चल के मेरा बच्चा आया था, उसके बाद वो सोई, फिर 12 बजे के बाद उसको तेरा उठा, यहाँ पे मम्मी दुख रहा है, मम्मी दुख रहा है, अच्छे तोड़ फोड़ ऐसे करने लगे फेंकना है, फिर बाद में 2 बजे मैं बोली कि हम दोनों माँ बेटी में बात की है, वो गाना भी गाई थोड़ा, उसके बाद मेरी मम्मी को फ़ोन की, वो मम्मी से भी बात की, फिर 4 बजे के बाद मैं इनको बुलाई कि चलिए, फिर 5 बजे देखती हूँ, फिर बता रहा है कि बच्चा सीरियस हो गया है, मुंह में पाइप डाला, हाथ में पाइप, यहाँ से जो पाइप था ना डाला हुआ हाथ में, वो पाइप निकल गया, मैं अंगूठे से दाब के रखी, डॉक्टर सिस्टर बुला रही, कोई नहीं आया, फिर एक सिस्टर आई, पाइप घुसा के चली गई। ये क्या मानते हैं आप, किस कैसे हुई है आपकी बच्ची की मौत, किसकी लापरवाही से? लापरवाही डॉक्टर की है भैया। कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 8 साल की लड़की थी। डॉक्टर तो किसी से मिलने हमको इंसाफ चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ कुछ चाहिए हमको।